हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे, हमारा गेट 2003 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि इम्पीडेंस मैट्रिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग यहाँ इम्पीडेंस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। इम्पीडेंस मैट्रिक्स में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चार टाइप के मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, Type 1, Type 2, Type 3 एंड Type 4। यहाँ पर आपको पहचानना पड़ेगा ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, सबसे पहले हम लोगों को एक जेड बस ओल्ड दे दी गई है, हमको जेड बस न्यू के एलिमेंट निकालने हैं। ठीक है, किया क्या गया है, अ ब्रांच हैविंग एन इम्पीडेंस, बताओ ये वाला इम्पीडेंस दिया हुआ है। आई थिंक आप लोग इसको जेड बी कंसिडर करते हैं, जेड बी वो जो आप लोग नया एलिमेंट लगा रहे हैं। तो बताओ जेड बी बराबर क्या कनेक्ट कर रहे हैं, जे 0.2 आप लोग इस एलिमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं। बताओ किस किस के बीच में कनेक्ट कर रहे हो, बिटवीन बस नंबर 2। ठीक है, आई थिंक बस नंबर 2 यहाँ ओल्ड बस है क्योंकि चार बसें पहले से बनी हुई हैं, बस नंबर 2 और रेफरेंस के बीच। यानी बताओ ये मॉडिफिकेशन किस किस के बीच में है। तो ध्यान रखना, ये मॉडिफिकेशन आपका लगाया गया है ओल्ड जे इक्वल टू 2 नंबर की बस पर, बस नंबर 2 एंड किसके बीच में, एंड रेफरेंस के बीच में। तो बताइए किस किस के बीच में ये ओल्ड जे इक्वल टू 2 एंड रेफरेंस बस के बीच में है। बताइए कौन से टाइप का मॉडिफिकेशन, इसमें न्यू बस नहीं है यानी टाइप 1 टाइप 2 तो नहीं है, यानी ये कौन सा टाइप का मॉडिफिकेशन है, रेफरेंस के साथ है इसलिए ये टाइप 3 मॉडिफिकेशन है। तो आप लोगों को सबसे पहले पहचानना पड़ेगा ये कौन से टाइप का मॉडिफिकेशन है। सो दिस इज टाइप 3 मॉडिफिकेशन। टाइप 3 मॉडिफिकेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। टाइप 3 मॉडिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जेड पर यूनिट न्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, सॉरी जेड बस न्यू इक्वल टू कितना है, जेड बस ओल्ड माइनस का 1 अपॉन में जेड लिखते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जेड, रिमेंबर जेड का फॉर्मूला है हमारे पास जेड बी प्लस जेड जे जे, दिस इज द फॉर्मूला जेड बी प्लस जेड जेड जे। और हम लोगों को यहां पर एक कॉलम बनाना है और यहां पर हम लोगों को एक रो बनाना है। ठीक, कॉलम कौन सा वाला उठाना है, कॉलम उठाना है ओल्ड वाला। आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रखा, सिंपल है, न्यू इक्वल टू ओल्ड माइनस 1 अपॉन जेड बी प्लस जेड जे जे। आप लोगों को यहां पर कॉलम उठाना है या रो उठाना है, कौन सा कॉलम कौन सा रो, जे नंबर वाला कॉलम जे नंबर वाला रो। बताओ यहां जे इक्वल टू कितना लिया गया है, जे इक्वल टू है हमारे पास 2, यानी आपको 2 नंबर का उठाना है। तो बताओ यहां पर भी क्या लिखोगे, जेड जे जे नहीं जेड 2 2, क्या लिखेंगे आप लोग, जेड 2 2। बताओ यहां पर आप लोगों को 2 नंबर वाला कॉलम उठा लेना है। देखो ये 2 नंबर वाला कॉलम है, आप लोगों को ये यहां कॉपी करना है। कॉपी क्या करना है, देखो यहां पर क्या है, बताओ ये हमारा एक्चुअल में नंबर कौन सा होता है, आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, ये हमारी सेकंड रो का सेकंड कॉलम है, देन 3 2 देन 3 4, ये नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। यहाँ आ जाए तो बताओ आप लोगों को यहाँ पर सेकंड नंबर की रो उठा के कॉपी करनी है, यानी ये वाली रो यहाँ पुट करनी है रेड कलर वाली। बताओ इसका एलिमेंट क्या होगा, तो ये जेड 2 1 2 2 2 3 2 4, 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। अब आप लोगों को पूरा सॉल्व नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ 2 एलिमेंट पूछे हैं। कौन कौन से पूछे हैं, आप लोगों से कहा न्यू वैल्यू निकालो जेड 2 2 का और जेड 2 3 का, सिर्फ ये 2 वैल्यू निकालना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जेड 2 2 की, ध्यान से, सिर्फ जेड 2 2 न्यू। आप चाहो तो यहां से पूरी मैट्रिक्स निकाल सकते हो, पर जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जेड 2 2 का ओल्ड वैल्यू लिखूंगा, जेड बस का ओल्ड। बताओ जेड 2 2 का ओल्ड वैल्यू कौन सा है, तो देख सकते हो जेड 2 2 का ओल्ड ये वाला है, कितना है, जे 0.3408 माइनस का अपोन में जेड बी प्लस जेड 2 2 है। बताओ जेड बी तो एज इट इज प्लस जेड 2 2 एज इट इज, इसलिए लिख दिया जेड बी का वैल्यू क्या पुट करोगे, यहां जे 0.2 यहां पुट कर देना। जेड 2 2 का वैल्यू कौन सा, ये वाला जे 0.3408, दोनों वैल्यू आप ये यहां पुट करेंगे। अब ऊपर क्या आएगा वो मैटर करता है, ध्यान से समझना। बताओ आप लोग क्या निकाल रहे हो, 2 2 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 2 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो आप लोग यहां से सेकेंड रो उठा लो, आई थिंक बताओ यहां पर कितनी रोज है, यहां 4 रोज है और एक कॉलम, और यहां एक कॉलम सॉरी एक रो और 4 कॉलम है। बताओ आप लोगों को क्या उठाना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। बताओ यहां से सेकेंड रो उठाओ, बताओ यहां से सेकेंड रो कौन सा है, सेकेंड रो है जेड 2 2, कौन सा वाला है जेड 2 2, और यहां से सेकंड रो उठाने के बाद यहां से सेकंड क्या उठाना है, कॉलम। बताओ यहां सेकंड कॉलम कौन सा है, जेड 2 2, तो यहां पर भी जेड 2 2 आ जाएगा। बताओ ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये आपके जेड 2 2 न्यू का फॉर्मूला बन गया है। किसका फॉर्मूला बन गया है, जेड 2 2 न्यू का। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कौन सी रखू कौन सी नहीं रखू, अरे यार डायरेक्ट यहां से याद रखो ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम निकालना है तो यहां से एक काम करो सेकंड रो का एलिमेंट उठा लो। देखो ये वाला था, बताओ इसमें सेकंड रो का कौन है, 0.3408 यहां पुट करना है, और सेकंड कॉलम वाला उठाना है तो देखो ये वाला था हमारे पास, ये वाला, इसमें सेकंड कॉलम जेड 2 2 उठा के यहाँ पर पुट कर दो।
बताओ ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, जेड टू टू न्यू का, लिख सकते हैं आप लोग इस फॉर्मूला को। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे क्या, सपोज अब मैं जेड टू टू नहीं, हमारे पास वन मिनट, दस वन, सपोज अब मैं जेड टू थ्री का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, टू थ्री का, टू थ्री पूछा नेक्स्ट, तो सबसे पहले यहाँ पर जेड टू थ्री न्यू निकालने के लिए जेड टू थ्री क्या आ जाएगा, ओल्ड, जेड टू थ्री ओल्ड का वैल्यू देखो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देखो ये सेकेंड रो है और ये थर्ड कॉलम है आपका दिस वन, तो ये हमारे पास कितना है जे 0.2586, ये तो हमारे पास जेड बस ओल्ड वाला आ गया। माइनस का नीचे बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जेड बी प्लस जेड जे जे, जे जे का मतलब जेड टू टू, ये टू टू वाला जो है। अब ऊपर की बात देखो, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो उठा लो यहाँ से, बताओ सेकेंड रो कौन है, जेड टू टू, जेड टू टू, थर्ड कॉलम बताओ इनमें से थर्ड कॉलम कौन सा है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, बताओ थर्ड कॉलम कौन है, जेड टू थ्री, तो यहाँ जेड टू थ्री रखना है, बताओ ये किसका फॉर्मूला बन गया है, जेड टू थ्री का। कुछ नहीं करना है, क्या लिखा हुआ है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो देखो मैंने यहाँ सेकंड रो, बताओ ये कितनी रो है, एक दो तीन चार, तो मैंने सेकंड रो उठा के यहाँ पुट कर दी, और थर्ड कॉलम बताओ यहाँ थर्ड कॉलम देखो कितना कॉलम है, एक दो तीन चार, तो मैंने थर्ड कॉलम यानी जेड टू थ्री उठा के यहाँ पुट कर दिया। अब ये सारे वैल्यूज आपको सिर्फ ऊपर से पुट करने हैं और आपको आंसर देना है। ध्यान रखना आप लोग जब इसका आंसर निकालोगे तो पहले वाले का आएगा पॉइंट, ये वाला बी आंसर आ जाएगा आपका, यानी जेड टू टू का वैल्यू तो 0.1260 आपका आ जाना चाहिए। जे की वजह से कंफ्यूज मत होना, लास्ट में जे लगा देना, बिना जे के कैलकुलेशन कर देना, क्योंकि ऊपर जे से जे नीचे जे कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 0.0956 आएगा इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन आप लोग और देख सकते हैं डिटेल में, वैसे फॉर्मूलास इनफ है। ये देखिए इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाया हुआ है, ये आप लोगों का मेन फॉर्मूला जो है। अब जे के और के जे ई क्या है, तो ये मैंने अभी जो बताया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, जैसे भी आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा ये जेड एस जो लिखा हुआ हमारा जेड बी है, तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों के दोनों फॉर्मूला लगाएं, सबसे पहले तो किसमें, जेड टू टू न्यू के लिए, और दूसरा जेड टू थ्री न्यू के लिए। पहले वाले का आंसर 0.1260 और दूसरे वाले का 0.0956। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला बनाए हुए हैं, देखो मैंने पहला फॉर्मूला बनाया था जेड टू टू जेड टू थ्री, लास्ट वाला सॉरी द फर्स्ट वन वॉज जेड टू टू इंटू जेड टू टू, ओके। सो दिस इज द ओवरऑल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, सॉरी बी, B is the correct option. Where is the B? Answer is B. Okay, this is the B. 0.1260, 0.096. Okay, thank you.